जैसे लगेगा जन्नत में पहुंच गए हो। सही बात है। लगभग मेरा मछली बन करके तैयार हो गया है। क्या कलर है। हाँ आज जो टेस्ट है काफी बढ़िया है। थोड़ा सा ठंड बढ़ गया है तो गाइस आज हमारे घर में बनने वाला है आलू के पराठे। मसाला को भून करके सीमा बनाएगी जो काफी टेस्टी बनेगा। गाइस सच में पराठे के साथ दही खाने में जो मजा आता है ना। आहा पराठे के साथ दही खा के देखिए। जैसे लगेगा जन्नत में पहुंच गए हो। सही बात है। पराठे और दही का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है और दही भी खट्टी मीठी लेना पुनी। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज लेट हो गया गाइस। आज लेट हो गया। आज लेट हो गया। ये आज लेट हो गया। ये मेरा दावा है 100%। आज लेट हो गया। देख बस एक मिनट मैं क्यों रुकूं। मैं भी तैयार हो गया हूं। मैं चला बाय बाय टाटा सी उठ के। सो गाइस बाय। पराठे और दही बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं पापा मम्मी पापा के लिए रोटी ही बना दो। मैं खा लूंगा। नहीं पूजा तू खाने को बोल दे रोटी सब्जी कोई नहीं मैं बना देती हूँ। हाँ बस एकदम बेस्ट। थैंक यू। और मैं खा लूंगा। थैंक यू। तो गाइस मेरा खाना आ गया है। पूजा अभी दे करके गई है। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारे घर आलू वाले पराठे और साथ में दही। पूजा ने एक मेरे लिए हरी मिर्च भी दे के गई। अभी तक बोल रहे थे कि पराठे दही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मैं मजबूरी में खाया था ना। मजबूरी में खा रहे थे तो रोटी सब्जी क्यों नहीं खाए। चावल सब्जी क्यों नहीं खाए बताओ। मैं सोचा चलो गरम गरम है तो खा लेता हूँ नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन खाने और तो खा लिया मजा आ गया। अब हमारे लिए लेकर आओ। क्या चाहिए बोलो। हमें लेकर के आओ मक्की के तो चने के भुजा। ये कौन खाता है। मैं खाती हूँ मक्की चना के भुजा। कुछ भी नहीं पसंद है। मिल जाता है तो कुछ छोड़ते भी नहीं है। पसंद है ही नहीं। देख लीजिए 2 महीना 3 महीना में आता जा चल जाता लसुन देखते बड़े दोनों आयल बड़ा सुन। चना मूंगफली और मक्की का भुजा और ये फुलिया यहाँ पे फुलिया बोलते हैं। आज हम लोग मिर्चा टमाटर प्याज डाल के बनाने वाले हैं भुजा जो कि काफी अच्छा लगता है। बिहार में तो बहुत ज्यादा फेमस है। मैं इसलिए खा रही मिर्चा तीत नहीं है। मैं इसलिए खा रहा हूँ कि मिर्चा तीत बिहार का फेमस चीज है भुजा। बरसों बाद मिला है। बिहार में फेमस है भुजा लिट्टी चोखा वो क्या बोलते हैं जो थावे में मिलता है पौड़किया काफी ज्यादा फेमस है। ठीक करने के लिए भुजा का स्वाद ले रहे हैं। गाइस लोग कहते हैं कि सबर रखो सबर का फल मीठा होता है। कितना सबर रखा जाए यार मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आज यार सबर रख रख के दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं छोड़ी हो सब मेरा प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है। हाँ? गर्मी हो रहा है। किसको। तुझे मुझे। हाँ गर्मी होता तो ये स्वेटर ही निकाल देता। तो क्या बोलना है कि उड़ नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। पूजा को आते आते व्हाट्सएप चेक करना है। उसको ये नहीं पता कि सीमा पहले से ही चेक करके बैठी है। नहीं गाइस लोगों को मानना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कौन ऐसा लोगों को मानना है। तो वो सब छोड़िए मेरे पास जेब दिखाओ लोगों से ये सब जेब दिखाओ ना। हम लोगों से जेब नहीं दिखाते मुझे पता है कितना पैसा है। पूजा क्या खाएगी बता। कुछ भी बन जाए। खाएगी क्या जो आपका इच्छा कर रहा है वही बना लो। खिचड़ी बखाएगी खिचड़ी। चलेगा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले खिचड़ी खाते हैं। बता बेटा क्या खाएगी तू बता। तू सीमा क्या खाएगी। पूजा तू बोल दो मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ती हूँ मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। पापा पढ़े हैं पापा को खिचड़ी पसंद है। अच्छा बताओ क्या खाएगी। मैं कुछ भी खाऊं। जो कहे वो हम लेके आएगा। जो आप लेकर आएंगे वो हम खाएंगे। हलवा कद्दू लेके आऊं। नो वो तो कल बना था। मछली देखा आखिर इसके मुंह से निकला ही जो मैं सोच रहा था मछली। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मछली लेने। आज बनाएंगे मछली चावल मीट। नो मछली का जो तरी है ना काफी लाजवाब बनता है। मीट अपनी जगह है लेकिन बनेगा आज मछली लेकिन दोनों बनेगा।
नो। हमने मछली को आटा और नमक से धोवा लिया हूँ और सीमा ने बहुत अच्छा धो दी भी है। आटा नमक से धोने के बाद ये बिल्कुल चिट्टा हो जाता है, साफ हो जाता है। मैं पीछे हो जाता नहीं तो इस मछली फ्राई करते समय थोड़ा सा मछली से दूर हो जाए, वरना उस दिन तो मेरा मुंह जल गया था। मछली फ्राई करने के लिए ना हल्दी और नमक लगाकर ही फ्राई करना, मछली कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। चिपकेगा नहीं कि चिपकेगा नहीं? वही चिपकेगा नहीं पागल, उन्हें पीछे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए, नहीं तो इसका तेल से मुंह जल जाएगा। उस दिन देखा मेरा कैसे जल गया था, और देखिए मेरा मछली फ्राई होने के बाद कैसा दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए इतना भी गाइस, ये सरसों का तेल नहीं है, मछली का भी तेल निकला है, इतना ज्यादा हम लोग नहीं डालते हैं। इसमें है लहसुन अदरक मिर्चा का पेस्ट, और इसमें है हल्दी मसाला और थोड़ी सी अधिकी मिर्ची। मछली भी आज ज्यादा है, देखिए खाने वाले चार लोग, दो बच्चे दो हम लोग। लगभग मेरा मछली बनकर के तैयार हो गया है और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। बस अब उसमें से धनिया पत्ता तोड़ के सीमा डाल देगी। थोड़ा ही डालना धनिया पत्ता, ज्यादा डालने से ज्यादा स्वाद आता है। ये चलाओगी नहीं इसको? मछली बनकर के तैयार हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। बस उसमें ऊपर से धनिया पत्ता डालना है। सीमा बन गया ना मछली? बन गया। देखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है। अच्छा बना ही है। अच्छा बना है, गारंटी देगी? हाँ गारंटी है मैं। 100% की? 100%। क्या कलर है, नीचे से एक बार चलाना। तो गाइस देखिए कितना जबरदस्त है, टूट जाएगा तो टूट जाएगा, तो उसको खाना ही है नहीं। तो गाइस देखिए सच में बहुत बढ़िया दिख रहा है। खा के टेस्ट बताना। बहुत लाजवाब, देखो मैं बोली ना, मैं गारंटी लेती हूँ 100%। बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना है। खा के देखो पनीर, बहुत टेस्टी। कैसा है? लाजवाब। बस मेरे घर में मछली बहुत बार बना, पर सबसे अच्छा टेस्ट आज का। जितने बार मैं बनाई हूँ अच्छा ही बनता है, चुप कर जा। सही बात है, बनता है, पर आज सबसे ज्यादा टेस्ट है, सबसे अच्छा है। कुछ दिन पापा बनाए थे ना, पापा टेस्टी नहीं बनाए थे। मम्मी लोग 20 साल का एक्सपीरियंस खाने के बाद ना, हाँ आज जो टेस्ट है काफी बढ़िया है। बनाया किसने है? मैंने। शक्ल देखी? रोज देखता हूँ सुबह आईने में, मेरे नजर ना लगे। मछली के साथ चावल ही सबसे अच्छा लगता है। बंगाली डिश, पंजाबी खाना खाते हैं, बंगाली खाना खाते हैं। ये बंगाली खाना ही है। मैं तो बंगाली और बिहारी मिक्स कर, बिहारी खाना खाते हैं। चावल बिहार का है और वो बंगाल का, कुछ भी दो। आज की मछली सबसे लाजवाब है, बहुत टेस्टी। चावल के साथ तो बहुत मजा आ रहा है, खूब भालो। मुझे बहुत भाले लगे थे, और गुजरती है बोलते हैं।